विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-2025 का किया स्वागत, बताया क्या कुछ है इसमें खास। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नए बजट में देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिखा है। नया बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं को सशक्त बनाने वाला है। मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। बता दें कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने और अनुकूल बनाने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय सभी वर्गों के लिए मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय अपनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी। ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। नवाचार अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा, जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस महत्वपूर्ण बजट के लिए धन्यवाद दिया और इसे सर्वसमावेशी बजट बताया, जो देश के हर वर्ग की बेहतरी के लिए तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये पांच जातियां हैं, उन चार जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। इसलिए अगर मैं कहूं कि देश के नौजवानों के लिए 2,00,000 करोड़ का बजट का प्रावधान करना, जो नौजवानों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 4,10,00,000 नए रोजगार के सृजन जो नौजवानों को मिलेंगे 5 वर्षों के अंदर, ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है इस बजट के माध्यम से कि 2047 में नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है, वो आज का युवा वर्ग है जो 17-18 साल का है, ये कल जाकर के देश का नेतृत्व करेगा, उससे सशक्त तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इसके बारे में आज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नौजवानों को अवसर दिए हैं कि 20,00,000 युवाओं को अलग से स्किल डेवलपमेंट देना, और इसके माध्यम से जो हमारे नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जॉब जब उसकी लगेगी और वो EPF के अकाउंट में जब रजिस्टर्ड होगा तो 15,000 रुपये 3 किस्तों में उसको प्रोत्साहन देंगे, ये विजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। इसलिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को 3,00,000 करोड़ का प्रावधान किया है, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आज किसानों के लिए आपने देखा कि 1,50,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पुनः गरीबों के लिए 3 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का बजट ये साबित करता है। ये बजट बहुआयामी बजट है, हर समाज वर्ग के सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयासों के साथ इस बजट के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। सर, मध्य प्रदेश जो है वो पर्यटन की दिशा में एक अलग अलग आयाम जो है वो बना रहा है, और मध्य प्रदेश क्योंकि पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब है, तो उसके लिए क्या बजट है? देखिए, पर्यटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर कई प्रकार के प्रावधान जो पर्यटन के लिए किए हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि नालंदा के अंदर
पर्यटन को केंद्र बनाना शिक्षा के क्षेत्र में, ये पहली बार हो रहा है। इको टूरिज्म होता है, मेडिको टूरिज्म की भी बात चली, उसके भी कई प्रकार के प्रयास चले हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर जो हमारा गौरव है उसको एक टूरिज्म के तौर पर डेवलप करना और टूरिज्म के लिए अलग से जो प्रावधान किए हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर टूरिज्म का क्षेत्र हो, और मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में डायमंड जो एशिया का सबसे अच्छा डायमंड कहीं निकलता है तो पन्ना के अंदर निकलता है, उस पन्ना के डायमंड और डायमंड पर भी प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर अलग से जो प्रावधान किए हैं ये वास्तव में मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल हब जो है वो डेवलप हो रहा है, उसके लिए इस बजट में क्या है? इस बजट के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जबलपुर के अंदर हमारे इन्वेस्टर समिट हुई, उसके अंतर्गत जो चीज़ें आई, तो 100 शहरों के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो स्थापित होंगे, नए नौजवानों को अलग से इस प्रकार के उद्योग खड़े करने की जो बात होगी ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जो एक समग्र विकास की कल्पना हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में की है, हम मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने का जो हमारा प्रयास है उसमें इस बजट के माध्यम से भी एक बड़ी ताकत मध्य प्रदेश को मिलेगी।